टाइटन वर्ल्ड शोरूम। यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। क्या कोई बेटी अपने नाजायज संबंधों को बचाने के लिए अपनी ही माँ की हत्या कर सकती है? क्या कोई माँ को सिर्फ इस वजह से मौत मिल सकती है कि वह अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाने से रोक दे? जी हाँ, ऐसा ही एक हत्या का सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र के जमुना कलारी से सामने आया है, जहाँ बेटी के अपने फूफा के साथ नाजायज संबंध होने पर जब माँ ने बेटी को रोका कि यह गलत बात है, तो बेटी ने अपने प्रेमी फूफा के साथ मिलकर अपनी ही माँ की हत्या कर दी और जंगल में बॉडी फेंक दी। इतना ही नहीं, बेटी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी माँ की गुमशुदा होने की शिकायत भी दर्ज थाने में करवा दी। जानकारी कहती है कि मंजू विश्वकर्मा बीते 20 अगस्त से लापता थी। उसकी बेटी विनीता विश्वकर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी। वहीं दूसरे दिन महिला मंजू विश्वकर्मा की लाश जंगल में मिल जाती है। पुलिस ने जब महिला का शव देखा तो उसके गले पर निशान थे। पुलिस को संदेह हुआ कि महिला की गला रेत कर हत्या की गई है। पुलिस ने संदेह के घेरे में बेटी से पूछताछ की तो पता चला कि बेटी का अपने ही फूफा लाल बहादुर के साथ नाजायज संबंध था, जिसके चलते उसकी माँ उसे रोका टोका करती थी। बस यही बात बेटी और उसके प्रेमी फूफा को खटकती थी। बीते दिन भी विनीता की माँ ने उसे प्रेमी फूफा से मिलने जुलने से मना किया, तो उसे यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने प्रेमी फूफा के साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटी और फूफा को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इतनी बात जरूर है, कभी कभी नाजायज संबंध और प्यार का पागलपन इतना सुमार हो जाता है लोगों पर कि लोग सही गलत का फैसला नहीं कर पाते और हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे देते हैं। आज एक बेटी ने अपने प्रेमी और जरा सी हवस की खातिर अपनी माँ को मौत के घाट उतार कर रिश्तों को शर्मसार कर दिया। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।